लथपथ वीरा। हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी के लिए लड़ती वीरा, हर पल अपनी सांसों को संभालती हुई वीरा। लेकिन इस हालत में भी वीरा की जबान पर बस एक ही बात है, प्लीज। जी हाँ, अपनी जिंदगी के लिए लड़ती वीरा को खुद से ज्यादा अपनी वीर जी की फिक्र है, खुद से ज्यादा उनके सिंगिंग करियर की परवाह है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि वीर जी को पता चल जाएगा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है तो जाहिर सी बात है उनका थ्रोट चोक लग जाएगा, वो गा नहीं पाएंगे, वो सब कुछ भूल जाएंगे। उनकी प्रायोरिटी में वो प्रीतमपुरा वापस आना चाहेंगे, उनका सारा कॉन्सेंट्रेशन डाइवर्ट हो जाएगा। सच में बहन हो तो ऐसी जो भाई की खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर दे। वैसे वीरा की ये हालत देखकर आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर उसकी ये हालत हुई कैसे। नहीं मतलब बलदेव भाई, बलदेव वहाँ था जब वीरा का एक्सीडेंट हुआ, तो फिर भी कुछ नहीं कर पाया। क्या कर सकता, बहुत दूर था यार, कानून के हाथ लंबे होते हैं मेरे। नहीं तो हॉस्पिटल ले आया हूँ, इतने लंबे हैं तो हॉस्पिटल ले आया हूँ, बैठा हुआ हूँ, आई एम लाइक वेरी अपसेट, मैं रो रहा हूँ, मुझे हाथ में भी लग गया, मैं इतना फ्रस्ट्रेशन निकालते निकालते सुबह, और अब बस यही दुआ कर रहा हूँ कि ये ठीक हो जाए। जी हाँ, वीरा का हो गया है जबरदस्त एक्सीडेंट। दरअसल वीरा बलदेव के साथ डेट के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते में ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और बेचारी वीरा अब हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। लेकिन लगता है पर्दे के पीछे इन्हें ये हॉस्पिटल का सीन शूट करने में काफी मजा आ रहा है। जरा इनकी मस्ती तो देखिए यहाँ पर। और तो और बार बार वीरा को नकली खून लगवाने में भी काफी मजा आ रहा है, और हद तो तब हो गई जब वीरा अपनी याददाश्त ही खो बैठी यहाँ पर। हंस क्यों रहे हैं? वीरा, आपकी जो माँ है ना, उनकी शादी हो रही है। हाँ, आपकी माँ रतन? हाँ, उनकी शादी हो रही है। और तुम कौन हो उनके साथ? और तुम कौन हो? मैं इस पिंड का सरपंच हूँ। लेकिन जल्दी ही वीरा की याददाश्त वापस आ गई और उसके बाद उसने बलदेव की खूब धुनाई की। मैं कौन हूँ? तुम वीरप्पन हो बेटा। हाँ, और तुम बलदेव हो ना? वीरा सफाए है, वीरा क्या है, वीरा को मैं डेट में लेके जा रहा था, ये मुझे उल्लू समझता है। भाई इनकी मस्ती तो हर सीन में ऐसी ही चलती रहती है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि शो में वीरा जल्दी ठीक हो जाए। साधना, मुंबई, आज तक।